मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल रितु डॉट पापाई। आप लोग कैसे हैं? हम ठीक है। आज का पूरा ब्लॉग हम हिंदी से बनाने वाले हो, तो चलिए फ्रेंड्स, अभी नींद से उठी हूँ, अभी बेड में ही है, नीचे उतार नहीं रहे, तो चलिए फ्रेंड्स अभी फ्रेश हो लेती हूँ और मौसी भी आ जाएगा घर साफ करने के लिए। आज गुरुवार है, घर में पुरोहित भी आने वाला है और गुरुवार को हमारा बंगाली घर में सब घर में लक्ष्मी पूजा होता है, तो इसलिए पुरोहित आने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम उठ के फ्रेश होके आपके साथ बात करती हूँ। जो बर्तन था मैंने साफ कर लिया, पूरा क्लीन कर लिया हमने, काम बाकी है। जो इधर का कारपेट वगैरह है वो डालना है और नानी के लिए जाना है, तो चलिए फ्रेंड्स हम डाल के नहा लेते हैं, उसके बाद आपके साथ बात करेंगे। हम नहा के रेडी हो चुकी हो और उधर देखिए, वो जो सोफे का कवर था और इधर जो टी टेबल का कवर था वो पूरा हम धो चुके हैं, बहुत कपड़ा धोए हैं आज हम, तो चलिए आपको दिखाते हैं। ये एक बाल्टी मैंने कपड़ा धोया है, इसको सुखाने के लिए हम टेरेस में जाएंगे, तो चलिए फ्रेंड्स साथ में रहिए। फ्रेंड्स उधर कपड़ा देखिए, हम थोड़ा बैठ गई हूँ क्योंकि नीचे बहुत ठंडी है, तो सोचा थोड़ा धूप निकला है तो धूप पे बैठ लेती हूँ। ये ठंडी का टाइम धूप में बैठना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए सोचा थोड़ा धूप ले लेती हूँ, उसके बाद नीचे जाऊँगी। और चलिए फ्रेंड्स आपको दिखाती हूँ, उधर साग लगाया हुआ है, वो क्या क्या साग बैठाया हमने पहले दिखाया था, अभी मूली का साग बहुत बड़ा हो गया और मेथी का साग भी बड़ा हो गया, चलिए दिखाती हूँ। अभी हम देखा टोमेटो का एक झाड़ भी निकला है, वो आपको शेयर कर रही हूँ, और इधर मूली का साग और इधर पालक का साग है। फ्रेंड्स पूजा का तैयारी हम कर दिए, आगे हमें किचन में खाना पकाएंगे, क्या खाना पकाएंगे वो आपको दिखाती हूँ। ये जो पत्ता गोभी है इसको बनाएंगे आलू के साथ और भात, और कुछ नहीं, तो चलिए फ्रेंड्स बनाती हूँ। ले लिया ये सीम को फ्राई करना है, बाधा गोभी काट लिया, इधर आलू मैं धो के रखी हूँ, टोमेटो, धनिया पत्ता, इधर अदरक जीरा पेस्ट, तो चलिए फ्रेंड्स खाना पका। गोभी का सब्जी बनाने के लिए मैंने आलू फ्राई कर लिया, इधर मेरा मसाला रेडी हो चुकी है और इधर हम पत्ता गोभी को इसमें डाल देंगे। तो फ्रेंड्स खाना जब तक बन रहा है तब मैं खजूर खा लेती हूँ, क्योंकि खजूर मुझे बहुत पसंद है और मेरा हस्बैंड जाने का पहले देखे गया था, बोला था जब भूख लगेगा दो खा के पानी पी लेना तो पेट भर जाएगा, तो अभी खाना बनना थोड़ा लेट है इसलिए मैं सोचा थोड़ा खजूर खा लेती हूँ, बहुत भूख लगी है, तो चलिए फ्रेंड्स खा लेती हूँ, बाद में आके बात करती हूँ। फ्रेंड्स हम थाली लेके बैठ गए, लंच थाली, भात, स्ट्रीम का फ्राई और गोभी का भाजी। चलिए फ्रेंड्स हम लंच कर लेते हैं, उसके बाद आके आपके साथ बात करेंगे। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अभी हम नीचे जा रही थी क्योंकि मुझे झालमुड़ी खाने का मन हो रहे थे और कुछ सब्जी भी लेना था, इसलिए सब्जी वाला का उधर चली गई, जाके देखा वैसा भी कुछ सब्जी नहीं है, इसलिए कुछ कुछ लेके आ गई, तो चलिए फ्रेंड्स देखते रहिए। तो फ्रेंड्स नीचे से आ चुकी हूँ, देखिए अंडा वगैरह और झालमुड़ी ये सब लेके आया, तो चलिए घर में जलती हूँ, चल के आपके साथ बात करती हूँ। धनिया पत्ता और ककड़ी और नीचे मिर्चा है और इधर अंडा लेके आया और ये है मेरा फेवरेट झालमुड़ी। हो चुकी है, तो अगरबत्ती अभी तक नहीं लगाया हमने, अगरबत्ती लगाऊंगी उसके बाद चाय बनाऊंगी, फिर झालमुड़ी और चाय एक साथ खा लेंगे, तो चलिए फ्रेंड्स अभी अगरबत्ती लगा लेती हूँ। फ्रेंड्स इधर झालमुड़ी है और इधर चाय है, चाय पीऊँगी, झालमुड़ी उसके साथ रहेगा। फ्रेंड्स यही है हमारा शाम का नाश्ता और डिनर, क्योंकि रात को और कुछ नहीं खा पाऊँगी, एक खाने के बाद मेरा पेट पूरा भर जाएगा, तो रात का जो खाना मतलब सुबह का जो भाजी था दोपहर का वो मैं फ्रिज में रख दिया और अभी कुछ नहीं खाऊँगी, एक खा के हस्बैंड के साथ बात करके सो जाऊँगी जल्दी जल्दी,
क्योंकि इधर ना बहुत ठंड है, ठंड का टाइम ज़्यादा टाइम जागते रहना मुझे अच्छा नहीं लगता इसलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो मुझे सपोर्ट कीजिएगा, थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक कमेंट तो करके दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। बाय बाय, गुड नाइट, फिर से मिलूंगी दूसरे एक ब्लॉग में।